नाम ही कमलनाथ हो, जिसके नाम में ही कमल हो, उसके बारे में क्या विचार कर रहे हो और क्या बोल रहे हैं आप बताइए। मोदी जी का जो नाम है वो अब ऐसा मिटने वाला नहीं है, ये हमारे लिए भगवान के बराबर नाम हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग बहुत बड़ी जीत के साथ इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चौबीस में निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनने जा रही है। ओली की सरकार क्राइम और जो ये करप्ट सरकार है ये अब चलने वाली नहीं। अब देश की जनता ये देख रही है कि करप्ट लोग और घोटालेबाज बिल्कुल इस देश से बाहर जाएंगे। भाजपा का काम और मोदी जी का नेतृत्व, मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़े नेता है माननीय मोदी जी, उनका जादू पूरे देश में चल रहा है। मैंने बताया आपको कि लोकसभा में 2024 में हम 400 पार होने वाले हैं। आज की डेट में जाके अगर कहीं विदेश में भी चुनाव लड़ लेंगे तो भाव चुनाव भी मोदी जी के पक्ष में और भाजपा के पक्ष में जाएगा, क्योंकि आज तीन राज्यों हमारे बंपर बहुमत में हमारी सीटें जीती हैं। इसके लिए मैं अपने माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बधाई देता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल। हम लोग हैं इस समय जिला कार्यालय भाजपा ऋषिकेश में। मध्य प्रदेश में 156 सीट, राजस्थान में 104 सीट, छत्तीसगढ़ में लगभग 50 सीट से भाजपा ने जो है अपनी बढ़त बनाई और आज पांच राज्यों में से तीन राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। जो अब तक अटकलें लगाई जा रही थी, जो बातें की जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, जो बदलाव है, जिसकी डिमांड चल रही थी, जिसकी मांग उठ रही थी, इसके बाद आप देखिए पूरे देश में एकदम से माहौल बदल गया। जश्न का माहौल यहाँ पे इस समय चल रहा है, पटाखे यहाँ पे फोड़े गए, कार्यालय पे सजावट है, मिठाई खिला के एक दूसरे को वो मिठाई खिला रहे हैं और यहाँ पे मिठाई खिला के एक दूसरे को जो है बधाई दी जा रही है। ये पूरी जो समीकरण थे वो अचानक से बदले। मध्य प्रदेश में पहले से भाजपा की सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान एक बड़े जो राज्य माने जाते हैं, जो कांग्रेस का बल था उसको भी भाजपा ने अब जीत लिया है। यानी कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार, भाजपा सरकार कहीं ना कहीं और मजबूत स्थिति में होती नजर आ रही है। तीन राज्यों में भाजपा ने अपनी बढ़त बना ली है और जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ है वहाँ कहीं ना कहीं समीकरण जो है पहले लोग चाह रहे थे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। जो है मोदी नाम तीन राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई है, क्या लगता है आपको 2024 के जो लोकसभा चुनाव है? 2024 में निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनने जा रही है और 400 से अधिक सीट, ये भविष्य वक्ता भी कह रहे हैं और पूरे देश की जनता भी कह रही है कि 400 से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर सरकार बनाने जा रही है 2024 में। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो की कांग्रेस की जहाँ पे सरकार थी इससे पहले, वहां पे भी भाजपा वापिस आ गई है। कहीं ना कहीं फिर से जो 2014 का जो पूरा समीकरण था क्या वो दोहराने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए मोदी जी के कार्य तो है ही विकास से संबंधित, लेकिन इनकी असफलता भी है। जो इन्होंने पनौती शब्द बोला उसको देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने इन 9 वर्षों में इतना कार्य करा है इस देश के लिए कि आने वाले 70 वर्ष जो है ठीक हो गए हैं, तो जनता ने इसे अस्वीकार किया है और इन्हें इसकी सजा भी दी। आप क्या कहेंगे पूरे जो आज जीत हासिल हुई है भाजपा के लिए, जो खुशी यहाँ पे आपने पटाखे फोड़ के और मिठाई खिला कर दी? पूरे देश में हर्ष का वातावरण है और उत्साह के रूप में जो रिजल्ट आया उसको मनाया जा रहा है और निसंदेह भारत की जो जनता है उसने माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास जताया है, इसीलिए इतनी भारी जीत हुई है। जिस प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी वहां भी हमारी सरकार बनी है, तो ये माननीय मोदी जी का जलवा है। माननीय मोदी जी का जो नाम है वो अब ऐसा मिटने वाला नहीं है, ये हमारे लिए भगवान के बराबर नाम हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग बहुत बड़ी जीत के साथ इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने वाले हैं।
इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो देश की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है मेरी मातृशक्ति, मेरी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रखा है। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं बनी है, इसका जो मेन वो जाता है, शेयर जाता है माननीय मोदी जी की योजनाओं पे जाता है। उन्होंने मातृशक्ति को बहुत सशक्त बनाया, शक्तिशाली बनाया, तो आज भारत की पूरी मातृशक्ति मोदी जी के साथ एक सूत्र में बंधी हुई है, एक सूत्र में खड़ी हुई है। और हम लोग आने वाले चुनाव में भी अपना 100% देके मातृशक्ति समर्पण भाव से मोदी जी के लिए खड़ी रहेगी और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। गवर्नमेंट तोड़ देगी इस बार, कौन गवर्नमेंट होगा? ये जितना गठबंधन है, गवर्नमेंट का गठबंधन है, ये जो इंडिया इंडिया के नाम से इनका घमंड तोड़ना आबादी बहुत जरूरी है, पर आज इनका घमंड पहले टूटा है। आज राहुल गांधी कहीं दिखाई दे रहा है, घमंड तोड़ना उद्देश्य है हमारा या फिर हमारा उद्देश्य यही है कि हम कहते हैं कि आप ईमानदारी की सरकार चलाओ, ये घोटाले वाले की सरकार, क्राइम और जो ये करप्ट सरकारें हैं ये अब चलने वाले नहीं। अब देश की जनता ये देख रही है कि करप्ट लोग और घोटालेबाज बिल्कुल इस देश से बाहर जाएंगे और ईमानदार मोदी जी की सरकार आएगी और मोदी जी 400 सीट जीतेंगे। अब तो विदेश से भी नारे लगे हैं, अब की बार 400 पार, दुबई में परसों नारे लगा, अब की बार 400 पार। और ये घमंडियों का गठबंधन ही टूट गया, आज के बाद ये घमंडी आपस में बैठ भी नहीं पाएंगे। भाजपा जो है तीन राज्यों में अपनी बढ़त बना के आगे आई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे दो राज्य थे जहाँ पे मामला बिल्कुल कांटे की टक्कर का था। क्या लगता है आपको कि क्या काम और अच्छा आने वाले समय भाजपा वहाँ पे करेगी? ये भाजपा का काम और मोदी जी का नेतृत्व, मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़े नेता हैं माननीय मोदी जी, उनका जादू पूरे देश में चल रहा है और ये निरंतर ये प्रक्रिया चलने वाली है। अन्य राज्यों चुनाव में भी भाजपा आने वाली है और 2024 में भी भाजपा प्रचंड के साथ बहुमत के साथ जो है केंद्र में सरकार बनाएगी। ये तो सेमीफाइनल हो गया, लोकसभा का भी चुनाव है, इसका क्या पूरा असर अब आप देखते हैं लोकसभा में? निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया आपको कि लोकसभा में 2024 में हम 400 पार होने वाले हैं और किसी कहीं दूर दूर तक कोई अन्य दल दिखाई नहीं देगा। जो जनता का प्यार और इसने माननीय मोदी जी के पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी है, तो निश्चित तौर पर उसका सेमीफाइनल चार राज्यों की प्रचंड जीत ने आप सभी के सामने ये सारे जीत का जश्न जो आज यहाँ पर मना रहे हैं, आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह उमंग है और लगातार हमारे बूथ स्तर पर ये जश्न मनाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम 2024 में 400 सीटों से भी पार जाएंगे। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव में लगे हुए? कार्यकर्ताओं के लिए ये संदेश है कि हमें घर नहीं बैठना है, हमारी पन्ना प्रमुख की कमेटी हमारी गठित हो चुकी है और निरंतर हम प्रसाद करेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए सेवा भाव से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अगरा और बढ़ाएंगे, ये संदेश है। आपको क्या लगता है कि आपसे कुछ ही समय पहले जो समीकरण थे वो कुछ और थे, जो उम्मीदें थी वो कुछ और थी कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो कांटे की टक्कर लग रही थी, मध्य प्रदेश में तो एक बंपर जीत भाजपा ने हासिल करी है? अंकुर जी, हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कहते हैं और आगे भी इसी चीज पे दृढ़ रहेंगे कि भाजपा जो है वो जनता की पहली पसंद है। मोदी जी हमारे देश के एक ऐसे नेता है और विश्व के एक ऐसे नेता है जिनके चेहरे पे आप आज की डेट में जाके अगर कहीं विदेश में भी चुनाव लड़ लेंगे तो वह चुनाव भी मोदी जी के पक्ष और भाजपा के पक्ष में जाएगा। तो देखिए विदेश में भी यदि चुनाव लड़ लेंगे तो मोदी जी के पक्ष में और भाजपा के पक्ष में जाएगा। अच्छा, कुछ जो चीजें खराब हुई तेलंगाना को लेकर के आप क्या लगता है? कहाँ खराब हुई? एक सीट से 10 सीट पे आ गए हम, उपलब्धि है ये और अभी तो कुछ देर में मुझे लगता है शाम तक आपको वोट परसेंटेज भी आ जाएगी सामने। मैं अगर गलत नहीं साबित हुआ तो वोट परसेंटेज भी कम से कम 15% भाजपा का बढ़ा होगा। अभी छत्तीसगढ़ में तो हम ही है, राजस्थान में भी हम ही है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी बिल्कुल श्योर थे कि सुबह भी जब उनकी जिसका नाम ही कमलनाथ हो, जिसके नाम में ही कमल हो, उसके बारे में क्या विचार कर रहे हो और क्या बोल रहे हैं आप बताइए। कमलनाथ जी को भाजपा में आ जाना चाहिए? बिल्कुल, देर काफी हो गई लेकिन कभी भी देर नहीं होती, ज्यादा अभी भी आ चाहिए। अगर वाकई में वो प्रदेश के हित में कुछ काम करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो अभी भी एक डिसीजन ले लेना चाहिए और भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भगवा छा गया, राम राज्य फिर आ गया, तीन राज्यों में भाजपा की सरकार जो है वो अपनी बलक बना के विजय प्राप्त कर ली। आज पूरे देश में एक हर्षोल्लास का विषय है क्योंकि आज तीन राज्यों हमारे बंपर बहुमतों में हमारी सीटें जीती हैं। इसके लिए मैं अपने माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बधाई देता हूं और उनके साथ से अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, स्वच्छ कार्यकर्ता बंधु हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग ये जीत पाए हैं। तेलंगाना की जो एक सीट थी
वहां क्या कमी रह गई, क्योंकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार थी उसे हटा के भाजपा ने अपनी वहां पे पैठ बना ली है, तेलंगाना में क्या कमी रही? तेलंगाना में हमने आपने देखा 10 गुना बड़ा बनाई है, लेकिन उसके अलावा भी मत प्रतिशत हमारा बहुत बड़ा है वहां पर, और आने वाले समय में हम तेलंगाना भी हमारा ही